हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान में सावधि जमा खाते के बारे में, पांच वर्षीय डाकखाना योजना के बारे में, राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में और जीवन बीमा के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सावधि जमा खाता के बारे में। सावधि जमा खाता क्या होता है? तो डाकखाना बचत बैंक के अतिरिक्त सन 1971 ईस्वी में डाकघर विभाग ने डाकघर के अतिरिक्त सावधि जमा योजना शुरू की थी। डाकघर के बाद डाकघर के अंतर्गत उन्होंने एक सावधि जमा योजना शुरू की थी और यह योजना बैंक की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के समान होती है। जो यह योजना है, सावधि जमा योजना है, यह बैंक की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के समान होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सावधि जमा खाता के अंतर्गत क्या आता है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं और अवयस्क भी अपने नाम से खाता खोल सकता है। अवयस्क तथा मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके नाम उनके अभिभावक खाता खोल सकते हैं। जो अवयस्क होते हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके नाम उनके अभिभावक खाता खोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि यह जो जमा खाता है ये चार प्रकार के होते हैं। एक वर्षीय जमा खाता होता है, दो वर्षीय जमा खाता होता है, तीन वर्षीय जमा खाता होता है, पांच वर्षीय जमा खाता होता है। ठीक है, आगे देखेंगे यह इस खाते के अंतर्गत जो भी हम जमा राशि है वह 50 रुपए या इससे अधिक हो सकता है। इसमें जमा करने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती। जो धनराशि है उसको जमा करने की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। आगे देखेंगे ब्याज का भुगतान इसमें प्रतिवर्ष किया जाता है। हर वर्ष ब्याज का भुगतान किया जाता है और एक वर्ष से अधिक समय वाली योजनाओं में वर्ष पूरा होने के बाद आवश्यकता होने पर खाता बंद कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में जो निर्धारित ब्याज दर होती है वो 2% ब्याज कम मिलता है। जब खाता बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो निर्धारित आपका ब्याज दर होता है वो 2% आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम देखें कि सावधि जमा खाता क्या होता है। आगे देखेंगे हम पांच वर्षीय डाकखाना आवर्ती योजना क्या होते हैं। तो इसमें इस खाते में कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। कोई एक व्यक्ति या दो संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं और अभिभावक अपने संरक्षित के नाम भी इसमें खाता खोल सकता है। और इसमें देखते हैं कि मासिक जमा या कुल जमा राशि या खातों की संख्या पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जो इसमें ब्याज की दर 8% होता है, जो इसमें जो ब्याज की दर होती है वो 8% होता है, जो समय समय पर बदलती भी रहती है और ब्याज समय पर पूरा होने पर मूलधन के साथ वो आपको वापस मिल जाता है। एकाकी खातों में नामांकन की इसमें कोई सुविधा नहीं होती है और जितनी राशि से खाता हम शुरू करते हैं हर माह उतना धन प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पे जमा करना पड़ता है। इसमें जितना भी राशि से हम खाता शुरू करते हैं उतना धन हमें हर माह प्रत्येक माह के जो अंतिम दिवस होते हैं उसमें हमें जमा करना पड़ता है। और जो इसमें 5 माह में किस्त न जमा करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें अगर 5 माह तक हम कोई भी किस्त न जमा करें इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और केवल विलंब दंड आपको ब्याज की दर से पैसा जमा हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं कि जो ये खाते हैं अभिभावकों द्वारा नाबालिगों के नाम से खोले जाते हैं, मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है उनके नाम से ये खाता अभिभावक के द्वारा खोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग देखें पांच वर्षीय डाकखाना आवर्ती योजना क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होते हैं। तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ यह बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है और इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितने रुपए से बचत पत्र खरीद सकता है, किंतु उनके भुगतान का समय इसमें निश्चित नहीं होता है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान होता है। इसमें निश्चित जो होता है उसके भुगतान का समय इसमें निश्चित नहीं होता है और निश्चित अवधि के बाद सर्टिफिकेट की धनराशि उसे मिल जाता है। और जो यह सर्टिफिकेट है
कोई व्यक्ति अपने नाम से या दो व्यक्ति संयुक्त रूप से या सहकारी बैंक, रजिस्टर कंपनियां आदि क्रय कर सकती है, यानी कि उसे खरीद सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो यह सर्टिफिकेट है, क्रय करने के लिए पोस्ट ऑफिस या उसके एजेंट द्वारा अधिकृत प्रार्थना पत्र भरकर धनराशि के साथ जमा करना पड़ता है। आगे है कि सर्टिफिकेट एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित करवाए जा सकते हैं, और स्थानांतरित करवाने के लिए एक निर्धारित आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और जिसकी प्रतियां, जिसकी दो प्रतियां होती हैं, उसे भरकर एक जगह से सर्टिफिकेट जहां से हम खरीदते हैं वहां पे जमा करना होता है, और जहां स्थानांतरित करते हैं वहां पर जमा करना पड़ता है, यानी कि दोनों जगह एक एक हमें प्रति जमा करना पड़ता है, और उस पर क्या होते हैं, जो क्रेता होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देखें कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है। आगे इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आपका स्कूल बैंक, स्कूल बचत बैंक योजना है, डाकघर मासिक आय योजना और किसान विकास पत्र योजना है। अब देखेंगे हम जीवन बीमा के बारे में। जीवन बीमा क्या होती है, तो जो यह योजना है यह सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है, और इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक के आधार पर निश्चित धनराशि हमें इसमें जमा करनी पड़ती है, और पॉलिसी की अवधि जब समाप्त होने के बाद एक निश्चित समय पर जमा धनराशि पर एक निश्चित लाभांश तथा उसे बोनस की धनराशि उसे प्राप्त हो जाती है। यदि इसमें किसी पॉलिसी धारक के बीच में अगर मृत्यु हो जाती तो उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की वो पूरी रकम मिल जाती है, यानी कि अगर जो पैसा जमा करता है उसकी अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र को उसकी पूरी रकम मिल जाती है, जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरी होने पर दी जाती है। इसमें जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण के लिए एक उत्तम योजना है, और इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत ये सारी योजनाएं आती हैं जिनमें समय समय पर लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जैसे अनेक योजनाएं इसमें आती हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई की योजना हो सकती है, बच्चों की शादी के लिए योजना, मनी बैंक पॉलिसी आदि, ऐसी बहुत सारी योजनाएं इसमें आती हैं। और जो यह विभिन्न योजनाएं अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जैसे जीवन धारा, जीवन साथी, आकाश दीप, शिक्षावृत्ति, जीवन मित्र आदि अनेक नामों से ये जानी जाती हैं। और इन बचत योजनाओं में अन्य लाभ मिलने के साथ ही इनमें आयकर की भी छूट होती है, और जीवन बीमा निगम ने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाएं भी चलाई गई हैं। इनमें से कुछ योजनाओं के नाम दिए हैं, इसको बता देते हैं कि जैसे बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी योजना दिया है, आजीवन बीमा पॉलिसी योजना है, निश्चित अवधि पॉलिसी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, निश्चित अवधि छात्रवृत्ति पॉलिसी योजना, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं जो संकट के समय परिवार की आर्थिक सहायता करती है। जो ये योजनाएं हैं वो संकट के समय परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। अब हम देखेंगे कि जीवन बीमा से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस बीमा से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। यदि बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यह आर्थिक संरक्षण मिल जाता है, और वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब वृद्धावस्था में जो ये धन बचता है हमारा, जो ये बचत करते हैं, इस धन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इससे अनिवार्य बचत भी होती है, और आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। जब कभी हमें आवश्यक कार्य होते हैं या भविष्य में कोई योजनाएं बनानी होती है तो इस धन से हमारी वो योजनाएं पूरी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बचत विनियोग के साधन कौन कौन से हैं, मतलब बचत विनियोग की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो इसमें कुछ योजनाओं के नाम दिए हैं कि बचत विनियोग की कौन कौन सी योजनाएं हैं। जैसे इसमें दिया है कि सरकारी भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, अनिवार्य भविष्य निधि योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सहकारी ऋण समितियां, चिंड फंड योजना। इस तरह से कुछ योजनाओं के नाम है जिसमें हम अपने बचत किए गए पैसे को सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि उपयुक्त योजनाओं में जो बैंक है, डाकखाने और जीवन बीमा योजनाएं, वे सबसे अधिक विश्वसनीय योजनाएं हैं, और सरकारी कर्मचारियों हेतु
सरकारी भविष्य निधि योजना एक अनिवार्य योजना है तथा यह एक विश्वसनीय बचत योजना है। आजकल यूनिट ट्रस्ट की भी अनेक लाभकारी योजनाएं प्रचलित हैं और अन्य बचत योजनाओं में धन लगाते समय उनकी विश्वसनीयता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही धन लगानी चाहिए, जिससे कि हमें लाभ के स्थान पे हानि न उठानी पड़े। मतलब हमें ऐसे स्थानों पे धन जमा करने चाहिए जहाँ पे हमें पूरा विश्वास हो, उनके बारे में पूरी जानकारी हो, जिससे कि हमें लाभ के स्थान पे हानि न उठाना पड़े, जैसे हमें कभी इससे कोई लाभ हानि ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सभी बचत योजनाएं व्यक्ति को क्या करते हैं, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे समय समय पर धन की आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और इस प्रकार की बचत भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता भी सिद्ध करती है। ठीक है, तो ऐसे हम देखें कि जीवन बीमा हमारा क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना।